तो दोस्तों कुल मिलाकर LMNU था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बिहार BED के कम्बाइंड इंट्रेंस टेस्ट जारी कर दिया है अपना PDF। और इसमें दोस्तों रेगुलर मूड, डिस्टेंस मूड और शिक्षा शास्त्री, आप देखिए कितने स्टूडेंट पूछ रहे थे सर शिक्षा शास्त्री क्या होता है, ऐसे कितने सारे बच्चे जो शिक्षा शास्त्री से अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों हम बताता हूँ शिक्षा शास्त्री होता क्या है, इसके दोस्तों बारे में जानते हैं। रेगुलर मूड होता क्या है आप जानते हैं कि वैसे जिसमें आपको कॉलेज जाना पड़े, डिस्टेंस जिसमें कॉलेज बिना गए हुए ही आप मतलब कि BED कर सकते हो। अब दोस्तों बात आते हैं शिक्षा शास्त्री के ऊपर में। तो दोस्तों जिस प्रकार आप BED करते हो 2 साल की या फिर 4 साल की या फिर 1 साल की करते हो, उसी तरह दोस्तों शिक्षा शास्त्री भी एक कोर्स है जिसके तहत आप BED कर सकते हो। मैं समझाता हूँ क्या जी, जैसे मान के चलिए आप 11th 12th पढ़े हुए हो और 11th 12th पास किए हो आप संस्कृत से, ठीक है, संस्कृत से एक यूनिवर्सिटी है उससे पास किए हुए हो, तो आप फिर तभी आप शिक्षा शास्त्री नाम में कोर्स कर सकते हो। अगर आपका 11th 12th में या फिर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो लेकिन आपका दोस्त यहाँ पर आपका शिक्षा शास्त्री में संस्कृत नहीं लिए हुए हो, तो आप शिक्षा शास्त्री नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो संस्कृत से चाहते हैं BED करना और साथ ही साथ उनका जो है बैकग्राउंड संस्कृत ही पूरा हो, तो वो उनके लिए है शिक्षा शास्त्री कोर्स। और इसमें एक पूरे देश में एक ही यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम मुझे याद नहीं है, आप अगर सर्च कर लेना तो उसी से आपको BED कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये हर कोई नहीं कर सकता है, इसे दोस्तों हम बात करते हैं रेगुलर और डिस्टेंस मूड के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है नोडल यूनिवर्सिटी कौन है इस बात, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। दोस्तों इस PDF को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी और बाद में हो सके तो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो आइए मैं समझता हूँ इस PDF के बारे में। दोस्तों इस PDF के अंदर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस मैं वही बताऊंगा, सभी बात नीचे ये सब जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है इसलिए मैं आपको इस सब चीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो फटाफट दोस्तों नीचे चलता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कोई इंपॉर्टेंट बात। यहाँ देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ चुकी है, यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि दोस्तों जो आप जो फॉर्म भरोगे उस फॉर्म में CET BED 2020 वाले सुन लीजिए कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हो उसके लिए यही वेबसाइट यहाँ पर नामित होगा और किसी वेबसाइट पर मत करना और सब फेक वेबसाइट से आपकी मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह की त्रुटि आप करते हो तो फिर आप उसके लिए आप स्वयं होंगे जिम्मेदार, मतलब इसके बाद में आप सुधार मतलब कि करने के लिए बहुत कम डेट बचेगी तो करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि आपको जो ID मिलेगा पंजीकरण वाली वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी, आपको लास्ट अपने पास रखनी है। और इसमें जो फोटो है वो फोटो का जो अभिमुख फोटो, फ्रंट साइज, अंगूठे का निशान ये सब होना चाहिए आपके पास, पहले ही से रंगीन अभिमुख फोटो, आपका हस्ताक्षर, आपके अंगूठा का निशान, और साथ ही साथ ये 50 KB से अधिक ना हो ये भी ख्याल रखना है और JPG फॉर्मेट में हो। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि BED के अभ्यर्थी जो 2020 से 2022 वाले हो उसमें कहा गया है कि जो भी क्षेत्र होगा आपको दरभंगा जो आप भरोगे उसमें आपको दरभंगा के तहत ही आपको एग्जाम दी जाएगी, वही LMNU, भले सेंटर कहीं हो लेकिन आपको जो भी मेन काम होगी सब वहीं से की जाएगी, ठीक है। दोस्तों अब आगे चलते हैं, पहचान पत्र के लिए आपके पास आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन या पासपोर्ट, बस इतना ही आपके लिए मान्यता है, बाकी सब इसमें आपको मान्यता नहीं दी जाएगी उसके लिए। दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ। अब देखो दोस्तों यहीं पर मैं आपको बोल रहा था यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसको अगर आप नहीं समझोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को तो फिर आप BED में फॉर्म भर का पैसा दोस्तों बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साफ साफ भाषा में लिखा गया है कि नियमित शिक्षा प्रत्याशी जो चाहते हैं रेगुलर एजुकेशन मूड से BED करने के लिए उनके लिए सुन लीजिए, उनको विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर मानविकी या फिर वाणिज्य में न्यूनतम कम से कम उनको 50% अगर है 50% अंकों के साथ में या आप वो किए हुए हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, 10+2 M+3, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आपकी इंटर भी और आपकी ग्रेजुएशन भी ये दोनों में 50% अगर नहीं है तो दोस्त आप BED के लिए मतलब एलिजिबिलिटी नहीं हो, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। यहाँ लिखा गया है कि या तो आप 10+2+3 में लाओ 50%, नहीं तो अथवा आप स्नातकोत्तर कर रहे हो, मतलब जो अगर आप PG डिग्री कर रहे हो, ठीक है, PG कर रहे हो तो PG में मांग के चाहिए दोस्तों कि आपका आप किए हुए हो इंटर किए हुए हो आप किए हुए UG और इस दोनों में दोस्तों आपका PG डिग्री मतलब इस दोनों में आपका 50% नहीं है, कम है इस दोनों में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप PG किए हुए हो मतलब पोस्ट MA MSc MCOM किए हुए हैं और उसमें अगर आपका 55% है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, भले ही दोनों में 50% क्यों ना कम हो लेकिन PG में अगर इतना परसेंट लाए हो 55% तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन दोस्त आपका इतना तो इसमें है 50% और नहीं तो इसमें है PG में तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो। वैसे दोस्तों बता दूं कि रेगुलर के लिए बस आपको ग्रेजुएशन ही बहुत करना इंपॉर्टेंट है, PG करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप PG कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर चुके हो, आप 55% आपका नंबर नहीं है उसमें तो दोस्तों आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक है। या तो आप 10+2 या फिर 10+3 में आप लाओ
जो माँ चाहते हो लाना वो लाओ, नहीं तो दोस्तों आपको इसमें लानी पड़ेगी। तो ये इसमें निश्चित कर दी गई है। तो आगे चलता हूँ। तो ये दोस्तों मैं जो बताया वो सिर्फ था आपको जनरल ओबीसी वाले, और जो लोग दोस्तों एससी एसटी के अंदर में आते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनको बस भारी छूट दी गई है, बस उनको क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूँ यहीं पे। इंपॉर्टेंट बात, मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले ये बात कह भी दी थी, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दी थी, इस बात को ध्यान रखना, फिर से मैं बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात की। जो लोग चाहते हैं यहाँ पर शिक्षा साथी से बीएड करना, जो चाहते हो संस्कृत से बीएड करना, उनके लिए सुन लीजिए। उनके लिए लिखा हुआ है कि आपको जो किए हुए हो शिक्षा शास्त्री जो कोर्स किए हुए हो बीए वाला, तो वो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का ही लिया जाएगा, बाकी सबका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और कम से कम 50% को मार्क्स उसमें होना चाहिए। अब देखो जो चाहते हैं डिस्टेंस माध्यम से करना बीएड में, उनके लिए सुन लीजिए क्या है। उनके लिए लिखा हुआ है कि अप्रशिक्षित सेवारक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा में सेवा अध्यापक होना चाहिए, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है शिक्षा का, मतलब कहीं आप पढ़ाए नहीं हुए हो, टीचर मतलब टीचर बन के कहीं पढ़ाए नहीं हुआ दोस्तों, तो आप इस डिस्टेंस इसमें कर नहीं सकते हैं। मतलब आपके साथ दोस्तों ये एक्सपीरियंस मांगेगा, अगर एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो आप दोस्तों बीएड यहां पर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते, यहां पर लिखा हुआ है कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो वो भी दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति एससी एसटी के अंदर में आते हैं या फिर जो अत्यंत पिछड़ा हुआ है या फिर पीडब्ल्यूडी के अंदर में आते हैं, उनके लिए सुन लीजिए अंकों में छूट उनको मिलेगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। मतलब कहने का कुल मिलाकर जनरल ओबीसी वाले हो तो आप लोग को अगर या तो आप एनसीटी के तहत में आपको शिक्षा का प्राप्त है डिग्री तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपके सामने कहीं भी एक साल का एक्सपीरियंस है या फिर किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ा चुके हो तो वहाँ से जाकर आप ले आओ एक साल का एक्सपीरियंस या फिर 6 महीना एक साल का। यहाँ पर मेंशन नहीं किया कितना दिन का चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मेंशन दोस्तों नहीं किया है कितना दिन का चाहिए, लेकिन दोस्तों आपके सामने एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे तरफ में कि आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होगी। पहली, ऑनलाइन पंजीयन करना पड़ेगा, उसका दोस्तों आवेदन पत्र को पूर्ण करा, और उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन से प्रवेश 50% जमा करना पड़ेगा तभी आपकी ले पाएगी, और जो आपको जो छायाप्रति मिलेगी फोटोकॉपी उसको अपने पास रख लेनी है ताकि आपको एडमिशन टाइम में वो काम देगी। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूँ नेक्स्ट में। यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर पंजीयन कैसे करना है, तो मैं आपको फिलहाल दोस्तों इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करिए आप लोग। दोस्तों आ चलते हैं नीचे की तरफ में। नीचे तरफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है, वो इंपॉर्टेंट बात फटाफट दोस्तों सुन लीजिए आप लोग। आप दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर और आइए बिहार के मूल निवासी। दोस्तों अगर आप बिहार के मूल निवासी हो तो यहाँ यश चुनोगे। अगर दोस्तों आप बिहार से बाहर के हो और फॉर्म चाहते हो भरना बिहार बी एस सी ई टी के लिए, तो उनके लिए कुछ यहाँ पर और ही नियम बताया गया है। उन्होंने कहा यह है कि अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हो तो बिहार के मूल निवासी के नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी को अपना विवरण देना पड़ेगा, मतलब कहने का कुल मिलाकर अपना प्रमाण पत्र वहाँ अपलोड करना पड़ेगा कि आप कहाँ के निवासी हो। वहाँ के निवासी के लिए आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट या फिर स्नातक की जो डिग्री होगी उसका फोटोकॉपी आपको डालना पड़ेगा, तभी आपकी मान्यता प्राप्त होगी आपको और बिहार से आप यहाँ बीएड कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और चुकी है, प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा हेतु 3 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा, ठीक है, आपको हर हाथ में चुनना ही पड़ेगा 3 का, जो लेकिन दोस्तों जो जहाँ आपको देना हो, जहाँ आपकी इच्छा हो देने की, बस उसको आप फर्स्ट में चुनना, ठीक है, और सेकेंड में उस चुनना जहाँ पर आपको मतलब कि कम उम्मीद हो, और सबसे जहाँ जाए उम्मीद कम नहीं बराबर हो तो वहाँ थर्ड में चुनना। मान के दोस्तों आप पटना के हो, दोस्तों पटना में क्या करो, आप पटना चुन लो नंबर 1 पर, सेकेंड पर चुन लो मुजफ्फरपुर, और थर्ड पर जो चुनना है सिवान, मुजफ्फरपुर, छपरा, ये चुन लो दोस्तों आपको। तो यहाँ पर आप प्रवेश परीक्षा शहर अच्छा से चुनना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, कुछ और बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया है कि 1000 रुपया लगेगा आपको जनरल कैंडिडेट के लिए, 750 रुपया लगेगा ओबीसी ईबीसी या फिर ओमैन के लिए, और 500 रुपया लगेगा एससी एसटी कैटेगरी वाले। आप कहोगे सर मैं ईडब्ल्यूएस के अंतर में आता हूँ तो मुझे कितना पैसा लगेगा, दोस्तों इसके लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ अपडेट नहीं दी गई है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1000 रुपया ही चुकाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो लोग लड़कियाँ हैं और मतलब कि लड़कियाँ हैं उनके लिए 750 रुपया ही लगेगी हर को, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात आरक्षण के बारे में। देखिए आरक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अगर आप एससी कास्ट के हो, मतलब एससी शेड्यूल कास्ट के हो, अनुसूचित जाति के अंदर में आते हो, तो आपको 16% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, सीट के अनुसार में। अगर आप एसटी कास्ट के हो तो आपको 1% आरक्षण मात्र दिया जाएगा एससी एसटी वाले को। दोस्तों अगर आप ईबीसी के अंदर में आते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर में आते हो, तो 18% आपको आरक्षण दिया जाएगा।
आप अगर आते हो बीसी के अंदर में बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो आपको मात्र 12% आरक्षण दी जाएगी। अगर आप आते हो ओ आरसीजी या फिर ओ डब्ल्यूबीएस के अंदर में आते हो, तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर में आते हो, तो 3% आरक्षण दी जाएगी। और जो लोग ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हैं उनको 10% आरक्षण दी जाएगी। और दोस्तों जो लोग कोई भी यहाँ पर नहीं है, मतलब जो यूआर के अंदर में आते हैं, उनको एक भी आरक्षण परसेंट वहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले ही आपको बता दी गई है कि आरक्षण कितना परसेंट सबको मिल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जो लोग आते हैं दिव्यांग कोटि के अंदर में, उनके भी कुछ आरक्षण सीट 5% दी गई है। तो वो भी अगर दिव्यांग कोटि के अंदर में कोई भी जाति के हो तो आपको 5% आरक्षण दी जाएगी, लेकिन बशर्ते आपके अंदर में आपके पास एक डिसेबल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप वो मतलब नहीं पा सकते हो। दूसरा जी, अगर आप सैनिक कर्मचारी हो, कोटा के तहत में हो, तो उसको भी आरक्षण थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब दे दी जाएगी, ठीक है। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खुद से पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता दिया कि एग्जाम पैटर्न पे कौन सी होगी, जनरल इन कम्प्रीहेंशन 15-15, जनरल हिंदी ये सब दिया हुआ था, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है, तो मैं इस पर ज्यादा गौर नहीं करता हूँ। तो जो ये आपको जो है यहाँ पा चुका है सिलेबस, तो मैं सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो जाके आगे पॉइंट पर देख लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि कौन से क्वेश्चन से कितना कितना आ रहा है, तो इसका साथ स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लो, नहीं तो दोस्तों जाकर आप मेरे चैनल से देख सकते हो क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। अब यहाँ दोस्तों मेन आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 से संबंधित विश्वविद्यालय कौन कौन सा है। दोस्तों इसमें जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मिठापुर पटना, ये आ रही है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर, ये एक आ रही है, भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, ठीक है, उसका कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका दोस्तों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, नालंदा खुला ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तिलका माझी यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, इतने सारी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज चाहते हो करना, तो आपको ये पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में ही वो आ जाएगी, ये इसी की एफिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों पटना वुमेन्स कॉलेज जितने भी कॉलेज था उस सभी का फॉर्म एक ही साथ निकाल दिया गया है, इसके लिए कोई भी अलग से फॉर्म आपकी नहीं निकलेगी, इस बात पर गौर करना आप लोग। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, तो आगे में यहाँ कहा गया है कि अगर आप तो पटना के लिए भरोगे तो यहाँ पर सीट कोड याद करना है, कहाँ कहाँ से भर रहे हो, ये कोड इंपॉर्टेंट है, कोड आपको वहाँ फॉर्म के टाइम में भरना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं कि अगर आप सैनिक कर्मचारी के पुत्र पुत्री हो तो ये सब भरना, ये सब आप खुद से पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसमें आप लोग के समय में क्लिक नहीं चाहता हूँ करना। दोस्तों आप चलते हैं आगे की तरफ में, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो है आपको दी हुई है विश्वविद्यालय नोडल प्राधिकारी की सूची दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करनी है तो इसी यूनिवर्सिटी की कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है, तो आप जाके दोस्तों इसी से बात कर सकते हैं, कैसे क्या है सीट के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप जानकारी इनसे ले सकते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर जो मेन शेड्यूल है वो सुन लीजिए। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/2/2020, मतलब कि 1 फरवरी से, मतलब कि आज से आपकी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगी। आपकी फॉर्म जो खत्म होगी डेट होना वो 2 तारीख को खत्म हो जाएगी। आप सुधार जो करोगे, सुधार करने के लिए डेट होगी 4 तारीख को खत्म होगी, ठीक है, 4 मार्च, और पेमेंट करने की लास्ट डेट है 5 मार्च आपकी, और आपकी एडमिट कार्ड दोस्तों आएगी 23 मार्च को, आपकी इंट्रेंस टेस्ट होगी 29 मार्च को, आपकी आंसर की अपलोड की जाएगी 31 मार्च को, और आपका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो 15 मार्च को आने वाली है। दोस्तों आगे चलते हैं, 15 दोस्तों अप्रैल को आने वाली है। दोस्तों अब चलते हैं काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग कैसे कैसे होगी। दोस्तों आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक चलेगी, 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। फिर दोस्तों आपको कॉलेज जो एड किया जाएगा वो आपको 25 अप्रैल को अपने कॉलेज दी जाएगी, जाके वहाँ से एडमिशन ले लेना। उसके बाद दोस्तों वहाँ जाकर आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी 26 से लेकर 28 के बीच में। फिर आपको जो है एडमिट लिस्ट आपकी निकलेगी 29 अप्रैल के को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी मई में 9 मई से आपकी लास्ट पेमेंट ड्यू होगी, वो भी आपको क्लियर कर 9 मई को कर देना पड़ेगा। और लास्ट में आपको दोस्तों 1 मई से, ठीक है, 1 तारीख से जब भी नाम हो मई से आपकी जो है क्लास शुरू हो जाएगी। तो यहाँ फुल डिटेल्स दी हुई है, तो आपको यहाँ पर पढ़ लो, ठीक। चलो अब यहाँ पूरी दी हुई है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा, आप तो चिंता मत करें। दोस्तों चलते हैं आय की तरफ में, जो इंपॉर्टेंट है। तो बस इस तरह से दोस्तों जो यहाँ पर जो है जितनी भी होगी लिस्ट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब बात आती है कॉलेज लिस्ट, कितने कॉलेज लिस्ट निकले हैं, कौन कौन से कॉलेज लिस्ट आपको भरनी पड़ेगी, तो उसकी अपडेट दोस्तों अभी नहीं आई है। जैसे अपडेट में जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय नहीं आई है। अगर मैं ये वीडियो मैं आपको 31 तारीख को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, 31 जो आज है 31 जनवरी को शूट कर रहा हूँ, इसे दोस्तों अभी तक एक कॉलेज लिस्ट नहीं आई है। कॉलेज लिस्ट निकल के आती है तो मैं आप लोग को इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दे दूंगा, चिंता मत करो। और बिहार बीएड की जो अप्लाई जो कैसे करेंगे उसके बारे में दोस्तों ये मैं वीडियो जरूर मतलब बहुत जल्द ला रहा हूँ,
तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब कर लो, एजुकेशनल आरके पॉइंट, एजुकेशनल पॉइंट दोनों को, एजुकेशनल आरके पॉइंट और पॉइंट दोनों को, जो भी आप देख रहे हो चैनल उस पर सब्सक्राइब कर लो, घंटे क्लिक कर लो। मैं लेता हूँ विदा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।